हेलो हाइप कर दे। अच्छा कौन कर रखा है? मुझे पता चल रहा है मेरी किस्मत मेरी थोड़ी कांड हुए लग रहा है पता नहीं। अच्छा मैं बताना चाहूँगा कि ये कहानी मेरे पहले ब्रेकअप की है। आशा करता हूँ कि आपका भी कभी पहले ब्रेकअप हो होगा। अच्छा ब्रेकअप किस किस का हुआ है यहाँ पे? ब्रेकअप 1 2 3 4। देखो मुझे ना अंडी मंडी सब्जी मंडी भी आती है, सर सर बताओ ब्रेकअप किसका हुआ है? अच्छा चलो शुरू करते हैं। जब मुझे लगता है ना जब ब्रेकअप होता है ना आदमी सदमे में चले जाता है। कोई आता है सदमे में? सदमे में। पर मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे पता लगने लग गया कि मेरा कट रहा है। हाँ मुझे लगने लगे कि मेरा कट रहा है क्योंकि फिर मुझे पता लगा कि एक दिन में 2000 रुपये खर्च होते थे, वो भी एक पप्पी के लिए। 2000 रुपये एक पप्पी, मतलब हफ्ते में मैं 3 बार उससे मिलता था, मतलब 6000 रुपये और 3 पप्पी। देन हाँ फिर उसके बाद एक महीना 6 × 30 18000 रुपये। मेरे फ्रेंड ने बोला भाई तू 18000 रुपये खर्च कर रहा है, तू एक बच्चे का पापा बन सकता है, तू पप्पी के पीछे भाग रहा है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है तुम्हारी, मैं पप्पी हूँ बहुत खुश। फिर धीरे धीरे दरारें आने लग गई, देन फाइनली ब्रेकअप हो गया। इन लोगों को मैंने शायद ब्रेकअप पार्टी दी, तभी वो गाली देता लाइट चली गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब होता है ना ब्रेकअप, फिर लगता है यार कुछ ना ऐसा ना लगता है कि यार इस बंदी को मुझे जेलस करना है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को मुझे जेलस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उससे अच्छी बंदी मुझे मिल सकती है। देन धीरे धीरे क्या होता है, आई वाज सर्चिंग फॉर योर गर्लफ्रेंड, मैं एक नई गर्लफ्रेंड की तलाश में, मैं लग गया एक नई गर्लफ्रेंड की तलाश में। उस बंदी ने जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसने पहली बॉयफ्रेंड बना लिया था और मैं खुला शेर चलिया, उसके हिसाब से मैं कुत्ता, वो मैं अपने आप से मैं शेर, ठीक है। फिर मैं एक अपनी एक आई वाज सर्चिंग फॉर न्यू गर्लफ्रेंड, देन मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरी बहन ने एक बंदी का नंबर दिया है क्योंकि बहुत डिफरेंस हुआ था। देन मेरी बहन ने मेरे को एक बंदी का नंबर दिया, देन मैंने उससे बात की। पहले दिन तो वो बंदी बहुत अच्छी लगी भाई, वो थी जो वो था वो मैं थी, वो मेरी ताजमहल थी, मैं उसका ताजमहल था। फिर उसके बाद जब लगा कि हाँ पहले दिन बात हुई ठीक है, दूसरे दिन बात हुई, शी वॉज लाइक डिमांडिंग, शी वॉज अ बूटी यार, मतलब खाती रहती है। हेलो भैया मैंने आपको कुछ बिगाड़ा है क्या? 10-20 रुपये लेके हो जाएगा कुछ? अच्छा हाँ एक्चुअली ना होता है क्या कभी, मेरे को अब लग रहा है कि मेरी किस्मत थोड़ी गांडू है, सच्ची में लग रहा है मुझे गांडू है। अच्छा भैया 100 रुपये लोगे अब नहीं चलेगा? अच्छा ठीक है। फिर हाँ अब तो शिक फॉर न्यू गर्लफ्रेंड, मेरी बहन ने मुझे एक बंदी का नंबर दिया, मैंने बात की ठीक है। हाँ फिर धीरे धीरे बात हुई, पहले दिन अच्छा रहा क्योंकि पहले दिन समझ में आता कि, फिर मुझे पता लगा दूसरे दिन कि वो फूडी है, बहुत खाती पीती रहती है। दिन मुझे समझ में आया हाँ ठीक है चलो। फिर पहले दिन मेरे से बोली कि संदर्भ मुझे ना ऐसे है ना, मैं जब तुम ना कहीं खाने जाओगे ना प्लीज़ किसी की ना कैपेचिनो के पिक्चर मत डालना क्योंकि मुझे बहुत जेलस फील होता है तुम अकेले जाते हो खाने में। ओके ठीक है, मैंने ठीक है पहले दिन ही डालूंगा, चल ठीक है। फोटोज़ कॉफ़ी पिज़्ज़ा वीज़ा के पिक्चर नहीं डालूंगा ठीक है। देन एक्चुअली मैं गरीब हूँ, मेरे थोड़े घर वाले अमीर हैं। हाँ मैं थोड़ा गरीब हूँ, मेरे घर वाले अमीर हैं। कह रही प्लीज़ तुम शो ऑफ भी मत करना, तुम्हारे पास इतना पैसा है। मैंने कहा मेरे पास पैसा है नहीं, मेरे घर वालों के पास पैसा है। तो फिर ये भी हुआ ठीक है। देन थर्ड उसकी ये थी कि एक्चुअली यहाँ मैं यूट्यूब चैनल मेरा, मैं यूट्यूब में पब्लिक एक्शन लेता हूँ, वीडियो सुनाता हूँ। तो कह रही ये भी फ्रॉड मत करना, तुम यूट्यूब की वीडियो सुनाता हूँ। मैंने कहा भाई ठीक है ये भी सही है। देन आई वॉज उत्तराखंड का बेस्ट फोटोग्राफर हूँ, मुझे अवार्ड मिला था भाई के अवार्ड डॉक्टर फाइव गवर्नर। तो फिर उसके बाद उसने कहा ये भी फ्रॉड मत करो। मैंने कहा भैया भाई, मैंने कहा ओ मेरी बहन बस हो गया, तेरे से ना हो पाएगा ना मेरे से हो पाएगा, तो मैं सही हूँ सिंगल। देन फिर उससे तो मैंने अपनी बहन बना लिया। देन आई वाज सर्चिंग फॉर न्यू गर्लफ्रेंड, फिर मैं सोचा यार नहीं गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर, तब से छोड़ दिया कोई चक्कर ना गर्लफ्रेंड बनाने ना कुछ बना रही। अगर किसी को पसंद आ रहा हो तो पीछे आके नंबर ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच। पसंद आया है तो पीछे जाके नंबर लिया जा सकता है।
रहेगा। पर्सनल के